22 तारीख की शाम को तकरीबन 6 बजे करीब एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, जिसमें आसिफ मरहूम जो है वो बाइक पे जा रहा था और एक डोर की जद में आके बेचारे की मौके पर डेथ हो गई। चीफ जस्टिस साहिबा ने 48 घंटे दिए इस वकूए को ट्रेस करने के लिए, और ये किसी तरह का नॉर्मल क्राइम नहीं था जो हमें और नॉर्मल पुलिसिंग में पड़ जाता है और हम उसको बड़ी तरीके से बैक ट्रैकिंग करते हैं या मुश्तबागान को पकड़ते हैं या लोगों से शनाख्त करवाते हैं कि जी आपने इसमें से किस बंदे को देखा। एक बहुत मुख्तलिफ नौयत का वाकया था जिसको ट्रेस करने के लिए हमारे पास एक सिर्फ वो डोर थी जिसकी वजह से इस कीमती जान का ज़िया हुआ। हमने 4-5 मुख्तलिफ लीड्स पकड़ी। सबसे पहला हमारे पास वो डोर थी जिसको हम बैक ट्रैक कर रहे थे। नंबर दो, हमारे पास उस फुटेज से हमने कुछ ऐसी चीज़ें मिली, एक बच्चा हमें भागता नज़र आया, कुछ ऐसे हमें अवामल नज़र आए जिससे हमने सोचा कि हम सीसीटीवी कैमरास की मदद लें और देखें वहाँ पर उस वक्त क्या हरकत हुई थी। हमारी बहुत एक टीम ने यकीन जाने कि कई घंटों बैठ के उस वीडियो को एनालाइज किया कि यहाँ पे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसको जूम इन किया। तो एक ने फिर सीसीटीवी कैमरास की मदद पे काम शुरू किया, एक टीम जो है ट्रेडिशनली ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर लग गई, वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। चौथी टीम जो है आईटी गैजेट्स पे लग गई, हमने वहाँ की जियो फेंसिंग करवाई और वहाँ के करीबी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह देखना शुरू कर दिए। इन पांचों ट्रैक को लेकर हम जब निकले तो सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो 37 कैमराज मुख्तलिफ देखे हमने, हमें ये क्लू मिला। और फिर उसको जब ह्यूमन रिसोर्स तक हमने टैली किया तो हमें पता लगा कि साथ ही एक मौजूद बिल्डिंग थी जिसपे जो है बैंक ऑफ पंजाब की बिल्डिंग है, उस तरफ से कोई काइट फ्लाइंग हो रही थी। कि हमने बाकायदा तौर पर डॉक्टर से कंसल्ट किया, हमने हवा के रुख के हिसाब से कट उससे डिस्कस किया कि कट किस एंगल से किस एंगल तरफ लगा है, बहुत सारी बातें हमने देखा। तो जब हमने रेड किया मुख्तलिफ जगहों पर, सर्च ऑपरेशन किया नियर बाई बिल्डिंग, उसी दौरान जब हमने इस बैंक ऑफ पंजाब के ऊपर एक चबारा है जिसके अंदर मुख्तलिफ एक जो बंदा है उसने अपने कुछ बकरे शकरे हिस्सा का माल रखा, जब वहाँ पर हमने रेड किया, हमारे डीएसपी साहब खुद उस रेड को निगरानी करते हुए खुद लीड करते हुए उस रेड के ऊपर गए, तो वहाँ हमें कुछ रेजिड्यू और रेमिनेंट्स नज़र आए कुछ जली हुई चीज़ों की। लिहाजा फौरी तौर पर हमने PFSA की टीम बुलाई, हमने उस एविडेंस के साथ उसको सिक्योर किया और पता लगा कि यहाँ पर डोर और इस तरह चीज़ें जलाई गई हैं। उसके बाद जब हमने अपनी तफ्तीश का दायरा वसी किया और हमने उस जगह के मालिक जो कि आबिद नामी एक आदमी है जिसके वालिद का नाम सुल्तान है, जिसकी ये जगह है, हमने उसको अपने इस तफ्तीश के दायरा कार में नैरो डाउन किया। और जब हमने उसको मुख्तलिफ सोर्सेज से उसका हमने सेल आईडी और सेल नंबर भी लिया, उसकी लोकेशन भी इस पूरे वाक़े में वहाँ पर मौजूद पाई गई, उसको हमने अप्रीहेंड किया। अप्रीहेंड करने के बाद जब हमने इनिशियल तफ्तीश उसके साथ की तो लाजमी बात है कि वो भी एक क्रिमिनल नहीं है, इज़ नॉट अ क्रिमिनल, और एक 5 वक्त का नमाजी आदमी है, तो लाजमी बात है कि उसका अपना गिल्ट भी अभी तक कायम था। उसने पूरा का पूरा हमारे सामने ना सिर्फ इस चीज़ का इंकशाफ किया बल्कि कुछ ऐसे इंकशाफात किए जो शायद आप जो कि मैं आप सामने बताना चाहूँगा। एक तो जब से डेथ हुई वो इस बच्चे के नाम पर बाकायदा तौर पर उस दिन से ज़कात और लोगों को रोज़े खुलवा रहा है, वो इस गिल्ट का शिकार है अभी तक। तो सारी चीज़ वहाँ से अनअर्थ हुई कि किस तरह ये लोग गुड्डी उड़ा रहे थे और किस तरह वहाँ से डोर छोड़ी गई और किस तरह छोड़ने के बाद इसी गुड्डे के प्रेशर में वो डोर जब फिरी तो बाकी मुख्तलिफ चीज़ें से उन्होंने वजाहत की तो फिर उसके बाद उसकी डेथ हुई। हमने जो यहाँ से डोर मिली और जो ऊपर से सैंपल मिले हम उसकी फॉरेंसिक्स करवाएंगे, बिलाशुबा उन्होंने अपना जो भी कन्फेशन किया, लेकिन हम पूरा केस को फॉरेंसिक्स स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक और चीज़ जो उन्होंने फ़ौरन की, उनके वहाँ बैंक ऑफ पंजाब वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे, उन्होंने उस DVR को वॉश करवा लिया चूँकि उनको अंदाज़ा था कि ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी एक अनहर्थ हो सकती है, तो बहरहाल वॉच लगा कर उन्होंने लगा दी थी। उसे हम